हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। जितने टाइप से भी हमारी परसेंटेज कन्वर्ट होती है, मींस फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में, डेसिमल से परसेंटेज में, या परसेंटेज से डेसिमल में, फ्रैक्शन में, हर तरीके का कन्वर्सेशन सीखेंगे। जितने टाइप्स के भी आपके कन्वर्सेशन होते हैं, मीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं, उतने टाइप्स के हम कन्वर्ट साथ सीखेंगे। देखो कितने टाइप्स हो सकते हैं, पहले सुन लो। कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है, ये करना सीखेंगे आज। फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है, वो करना सीख लेंगे। पहले में था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दूसरे में परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा, आपका जो परसेंटेज में दे रखा हो उसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, या फिर रेशियो में दे रखा हो उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये भी सीखेंगे। फिर आता है आपका डेसिमल से परसेंटेज में, या परसेंटेज से डेसिमल में करना हो, ये सारी चीज़ें आज क्या करेंगे हम सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके सीखेंगे और बहुत ही आराम से सीखेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बस सुनते रहिए एक एक करके। और हाँ, लास्ट वाला आपको हर किसी को क्या करना है, होमवर्क करना है और कमेंट करके हर किसी का आंसर बता देना, अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले करते हैं पहला वाला, क्या दे रखा है, कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। क्या दे रखा है फ्रैक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन फर्स्ट में दे रखा है कि 3/4 है, 3/4 जो 4 है इसे किस में कन्वर्ट करना है, ये जो है ना p/q। देखो फ्रैक्शन होता है कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा हो, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन कैसे होता है, p/q की फॉर्म में लिखा हो। तो देखो ये नंबर लिखा है ना 3/4, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए, कभी भी आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आए तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा किससे कर दो, 100 से कर दो, किससे कर दो, 100 से। तो यहाँ पर भी कर दिया हमने 100 से, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। देखो इसको ना बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, जैसे छोटे बच्चे ना, आप 4th, 5th, 6th या 7th या 8th क्लास के बच्चे होंगे, तो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो ऐसा नंबर, ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 100 भी आता हो, 4 भी आता हो, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, कटते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, 3/4 मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ 100/1, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, आप देखो इस केस में क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इन केस काटना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 100 को पहले डिवाइड कर लो किससे, 4 से। 100 को डिवाइड करा 4 से, 4 2 8, कितने बचे यहाँ पर, 2, कैरी उतार ली कितनी, 0। 4 5 20, यहाँ पर आगे माइनस करा तो 0 0। अब देखो 3 तो एज इट इज था, मल्टीप्लाई इसको इससे डिवाइड करके कितना आ गया, 25, ठीक। 25 3 जा, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं ऐसे करके, 5 3 जा 15 का 5, कैरी आ गई 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 75। क्या आ गया हमारा, 3/4, क्या दे रखा है, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज में करा तो कितना आ गया हमारा, 75%। 75% जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो एंड में परसेंटेज लगाना ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, इसको किससे करते हैं, दूसरे मेथड से। देखो ये हमने करा है डिवीजन मेथड से, क्या करा हमने, 4 से 100 को डिवाइड करा, जितना आया उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी, ठीक। क्योंकि नीचे 1 था तो 1 का तो 1 ही रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको टेबल आते हैं, अगर आपको टेबल आते हैं और आप इसे शॉर्ट मेथड से सीखना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट मेथड देखो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा कितना होता है, 100, 25 3 जा कितना आ जाएगा, 75%। तो 3/4 लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं, 75%। आई होप पहला वाला आपको समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा करने के लिए नंबर कितना दे रखा है, 7/25, नंबर दे रखा है 7/25। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसे लॉन्ग मेथड से भी करा जा सकता है और इसे शॉर्ट मेथड से भी किया जा सकता है। लॉन्ग से कैसे करेंगे, देखो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7/25 मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने कर लिया, ये हो गया आपका क्या चीज़, ये वाला हो जाएगा आपका लॉन्ग मेथड। इधर करेंगे लॉन्ग मेथड से और इधर करेंगे हम शॉर्ट मेथड से, दिखाई दे रहा है, लॉन्ग और शॉर्ट से। देखो पहले लॉन्ग से करते हैं, ये लिखा हुआ है 100/1, तो लिख लिया हमने 7 मल्टीप्लाई 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से,
25 कितने जा, 25 और 4 जा होता है 100, ठीक, माइनस करा तो 0 0, ठीक है। यहाँ पर जितना आता है ये हमारे क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28%, ठीक। ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, जिसमें हमने क्या करा है डिवाइड करके आपको दिखाया है कि डिवाइड करके 4 कैसे आया। अगर आपको टेबल आते हैं तो देखो 25 1 जा 25 4 जा 7 4 जा 28%, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो ये वाला, अब थर्ड हम सीखते हैं, थर्ड सीखना है, थर्ड को भी सेम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो थर्ड करा हमने, क्या दे रखा है 11/40, ठीक। इसके भी दो मेथड कर लिए हमने, ये वाला लॉन्ग और ये वाला शॉर्ट। देखो क्या है 11/40 मल्टीप्लाई बाय क्या करा हमने 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 11/40 मल्टीप्लाई करा हमने क्या चीज़ 100, ठीक। अब इसे कैसे कर सॉरी अब इसे कैसे करेंगे, देखो 100 को डिवाइड किया 40 से जब 100 को डिवाइड करा तो कैसे आएगा, 42 जा कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आ गया हमारा 80। कितने बचे यहाँ पर, 20 माइनस करा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, ठीक। 45 जा देखो ऐसे करके 40 मल्टीप्लाई बाय 5 5 0 जा 0 5 2 जा 20, कितना आया हमारा 200, आ गया हमारा 200। माइनस करा तो क्या बचा, नीचे 0। अब देखो जो 11 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 1 जा 5 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 2 1 जा 2, कितना आया 5 7 2। और देखो वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमने वन डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया, तो हमारा आ गया 27.5, ठीक। इस तरीके से हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। अब शॉर्ट मेथड से समझिए, 1 0 से 1 0 काट दिया हमने, ठीक, ऐसे कट जाता है, मतलब कोई चीज़ इधर की साइड हो, कोई चीज़ अपॉन में हो और जीरो हो, तो 0 से 0 क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखो 2 5 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब कट नहीं सकता तो क्या करा हमने, 55 कैसे आया आपको समझ में नहीं आएगा, देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 2, 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाय 2, 2 से करा तो कितना आ गया 27.5 आएगा, तो ये भी परसेंट आ गया, कितना आ गया 27.5, और ये भी कितना आया था 27.5%। लॉन्ग से और शॉर्ट मेथड से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब ये वाला जो है ना आपको होमवर्क में करना है, ये वाला आपका क्या है होमवर्क है, इसका आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है, कि आंसर इसका कितना आया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, 35% है, इसको क्या करना है हमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बस 35 लिखा, और ये जो परसेंट होता है ना, परसेंट, ये परसेंट मतलब ये मान लीजिए आप समझने के लिए कि ये दे रखा है 1 और इसके पीछे 2 0 लगा दें बस, अपॉन में 1 अपॉन में, तो ये परसेंटेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज, ये बन गया परसेंटेज। अब देखो दोनों को क्या करना है, एक ऐसा नंबर देखना है जिससे दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखो हमने करा 5 से 5 के टेबल में 35 भी आता है, 5 के टेबल में 100 भी आ जाए। अब 5 के टेबल में कब आता है, 5 7 जा 35 होता है, 5 20 जा कितना होता है, 100 होता है। तो इसके बाद में हमारा जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 7 अपॉन में 20, यही सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट का। अब सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है 56% का क्या बताया मैंने, नीचे लग जाएगा 100, ठीक है, नीचे हमने 100 करा। अब देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें दोनों आते हों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे 6 है ना, 6 है तो ये 2 से चला जाएगा, इसके पीछे 0 है तो ये भी 2 से चला जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्या होता है, जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 और 8 होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं किससे, 2 से, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हम क्या करेंगे इनको डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 से करा तो कितना आ गया 28,
और 2 से करा तो कितना आ गया 50, डिवाइड करके आप देख लेना, ठीक है। 56 को आप क्या करोगे, डिवाइड करके देख लेना ऐसे करके, 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4, बचा यहाँ पर कितना 1, कैरी उतार ली 6, 28 जा 16, माइनस करा तो 0, 0, तो आंसर हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो हमारा आंसर आ जाता है। अब ये ऐसे करके हमने इसको करा, अब ये फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 0 है, कितना आ गया 14 अपॉन में 25, तो यही हमारा आंसर है। अब ये आंसर क्यों है आप बोलोगे, सर इसके आगे क्यों नहीं करा, देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 14 और 25 दोनों एक साथ आते हों, इससे ज़्यादा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों एक साथ आते हों, तो यही हमारा फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड नंबर देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है आपको 37.5%, कितना दे रखा है 37.5%, 37.5 अपॉन में परसेंट का कितना आ जाएगा 100। अब देखो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो लगा लेते हैं, अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो देखो इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है, तो ये दोनों किससे चले जाएंगे, 5 से चले जाएंगे। चलिए 5 से करके देखते हैं, नंबर क्या बन गया हमारा 375 अपॉन में 1000, 375 को क्या करते हैं हम डिवाइड करके देखते हैं किससे, 5 से, 5 7 जा 35, बचे यहाँ पर 2, कैरी उतार ली 5, 5 5 जा 25, बचे कितने यहाँ पर 0, 0, तो ये कितनी टाइम्स गया हमारा 75 टाइम्स चला गया, मीन्स ये दोनों किससे जा सकते हैं 5 से, ठीक इस तरीके से 5 2 जा 10, ये 200 टाइम्स चला गया हमारा, 200 टाइम्स क्या। अब देखो ये दोनों फिर 5 से जा सकते हैं, फिर किससे चले जाएंगे 5 से चले जाएंगे, 5 कितना 20, 5 कितना 15 टाइम्स, और 5 कितना 5 4 जा 40 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे 5 से जा सकते हैं, फिर हमारे 5 से चले जाएंगे कितने टाइम्स, 5 3 जा और 5 8 जा, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया हमारा 3 अपॉन में 8, क्योंकि 3 अब किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, और 8 3 और देखो 3 और 8 हमारे अब किसी भी एक टेबल में नहीं आता, अगर 3 3 में आता है तो 8 में नहीं आता, और 8 अगर 2 की में आता है तो 2 की में 3 नहीं आता, इसीलिए हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियोज, जो परसेंटेज दे रखी है इसको किस में, रेशियो में चेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड का फर्स्ट कितना दे रखा है बेटा 17%, 17% दे रखा है। देखो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं थर्ड वाला, 17% को हमें किस में चेंज करना है, रेशियो में। रेशियो आप जानते हैं जैसे फ्रैक्शन होता है ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ऐसे ही अगर ऐसे करके नंबर लिखा आ जाए पी अपॉन क्यू, मीन्स नंबर लिखा है 2 अपॉन में 3, इसी को रेशियो में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 2 रेशियो 3, बस हमें ये रेशियो लगा देना है यहाँ पर फ्रैक्शन की जगह, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रेशियो में आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 17% का नीचे 100 आ गया, क्या 17 के टेबल में, 17 और 100 किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप जानते हो ना क्या चीज़ होती है, प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, या तो एक के माता हो या नंबर खुद के माता हो, तो 17 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, एक 1 के माता और एक 17 के माता है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा पता है, 17:100, ये हमारा रेशियो हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में बी देखते हैं, पार्ट बी, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, 72%, ठीक 72% को हमें किस में, रेशियो में चेंज करना है, 72 अपॉन में 100, हाँ भाई ये हो सकता है, देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक। अब मैं 2 से क्यों करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपको क्या है 2 से ही आ सकता है, या फिर ये बेसिक से चल रहे हैं, हम नहीं टेबल पढ़ रहे हैं, हम तो बेसिक से चल रहे हैं बस। अब ये आ तो 4 के में भी सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से ही चलेंगे, देखो 2 के टेबल में दिया तो 72 को 2 से डिवाइड करा, ठीक 2 3 जा 6, कितना बचा 1, कैरी उतार ली 2, 2 कितना 6 जा 12, कितने बचे 0, 0, ठीक। तो हमारा कितना आ गया 36,
और आप जानते हैं 250 या 100 होता है, ठीक। फिर ये चला जाएगा किससे, 2 के टेबल में। 2 के ही टेबल में क्यों जा रहा है, आप जानते हैं इसके पीछे 6 है। डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जिसके पीछे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ये सब किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से हो जाते हैं। तो देखो बेटा ये 2 से करा, तो अब आप टेबल पढ़ोगे या फिर देख लो, 36 को हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, 2 वन जा 2 बचा 1, कैरी उतार ली 6, 2 8 जा 16, यहाँ पर माइनस करा 0 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 18। और हम जानते हैं 25 2 जा कितना होता है 50। अब देखो अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें के ये 18 और 25 एक साथ आते हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले में आपका ये वाला होमवर्क था और इस वाले में आपके दो होमवर्क में, इस वाले में आपके दो होमवर्क में, इनका कमेंट करके मेरे को क्या आंसर बताना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेशियो वाला तो बहुत आसान था इसलिए मैंने दो कराए, है ना, और कराना आपको बता ही दिया मैंने कैसे काटते हैं फ्रैक्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कन्वर्ट रेशियोज इनटू अ परसेंटेज। अगर रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रेशियो दे रखा है, एक नंबर रेशियो में दे रखा है, ठीक। कैसे दिया है, 14 रेशियो का मतलब है अपॉन में आ जाएगा, 25 रेशियो का मतलब है अपॉन में आ जाएगा, 14 अपॉन 25 इस तरीके से रेशियो में लिखते हैं। मींस मैंने बताया था पी अपॉन में क्यू लिखा हो तो इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, पी रेस टू क्यू, या फिर ए अपॉन में बी लिखा हो इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए रेस टू बी। तो इनका मतलब क्या होता है, सेम, ऐसे लिखी हो या ऐसे लिखी हो इनका मतलब बिल्कुल सेम होता है, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो इसके बाद में परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। अब मैं आपको डिवाइड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, आपने अगर भूल गए हो तो वीडियो में पीछे जाना और देख लेना। देखो 25 वन जा 25 फोर जा, ये हमने शॉर्ट मेथड से कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 14 और 4, 14 फोर जा कितना होता है, चलो करके देखते हैं। 4 फोर जा 16 का 6 कैरी आ गई 1, 4 वन जा 4 प्लस 5 6, 4 वन जा 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया आंसर 56 परसेंटेज में। किस में चेंज करा रहे हैं, परसेंटेज में, तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, वन हुआ आसान। अब देखो देर का है सेकंड वाला, सेकंड दिया है 5 रेस टू 6, तो मैंने बताया इसको कैसे लिख लेंगे, 5 अपॉन में 6 लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद में परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 3 2 250 जा और 2 3 जा, ठीक। इसके बाद में कितना आ गया हमारा, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 3, 5 5 जा 25, तो आ गया 250 बाय 3, ठीक। ये आया 250 बाय 3 परसेंट आया, लेकिन हम इसे डिवाइड करके दिखाएंगे 250 बाय 3। अब देखो इसमें आंसर जो है ना पॉइंट में आएगा, 3 3 कितने जा, 3 6 18, 3 7 20, 3 8 जा 24, यहाँ पर बचे 1, कैरी उतार ली 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, ठीक। ये हमारा क्या है, आंसर आया। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इधर लिखता हूँ मैं इसका आंसर, इस सर्कल में देखो, इस सर्कल में लिखता हूँ कैसे, 3 से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया तो 3 तो नीचे ही आएगा, जो क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है 83, और जो रिमाइंडर बचता है हमारा वो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 83 होल 1/3 परसेंट क्या आ गया, 83 होल 1/3 परसेंट आएगा इस वाले का आंसर, ठीक। तो ये वाले दो आपके लिए क्या हो गए, होमवर्क में हो गए। अब आप इन दोनों को क्या करना, होमवर्क में करना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्यूशन नंबर 5 का 1 क्या कह रहा है, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, 0.8 ये डेसिमल में दे रखा है, इसे परसेंटेज में क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो देखो 8 लिखा परसेंटेज में चेंज करना, पहले देखो पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या है 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 10 बढ़ा लिया, 1 लगा करके 10 क्या कर लिया हमने,
बढ़ा लिया। अब परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो हमने 100 से क्या कर ली, इसकी मल्टीप्लाई देखो कि देर करना डेसिमल टू इनटू परसेंटेज। अब देखो जीरो से जीरो चला गया, 8 × 10 = 80, तो कितना आ गया 80%। ये वाला तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखते हैं दूसरा क्या दे रखा है। सेकंड दिया है 0.36 दिया है, तो यहाँ पर 36 लिखा अपॉन पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने 1 2 दो डिजिट है ना, तो 1 लगा करके 2 0 बढ़ा लिए, 1 लगा के कितने 2 0 बढ़ा लिए। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना उतने ही 1 लगा के 0 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट था यहाँ पर, तो 10 एक के बाद 1 0 लगा दिया। पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो एक के बाद 2 डिजिट लगा दिए 0। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे तो 1 लगा करके 3 0 लगा देंगे। बस इस तरीके से क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटाते हैं। अब इसके बाद में परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 100 × 100, ठीक है, तो कितना आ गया 36%, कितना आ गया 36%, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखो ये वाले तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप क्या करोगे होमवर्क में कर लेना, ठीक। मेरा काम था आपको समझाना बेसिक्स। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये वाला नहीं आया, या इसका आंसर कितना आप बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया हमारा, लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट क्या कह रहा है, परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना है। वाह लो डेसिमल, परसेंटेज से किस में चेंज करना है, परसेंटेज से किस में चेंज करना है, डेसिमल्स में। अब देखो परसेंटेज ये हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखा था। देखो परसेंटेज दे रखा हो तो नीचे क्या लगा लेते हैं 100, ठीक, बस इतना ही करना है। परसेंटेज दे रखा हो तो नीचे क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज का साइन किस में चेंज हो जाता है 100 में। अब देखो डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करना है। अब यहाँ हम 2 से नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम नंबर से करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जिससे दोनों डिवाइड हों। तो देखो ये 2 के में आते हैं, ये 4 के में भी आते हैं, ये 4 के में भी आते हैं, दोनों एक साथ। देखो 4 कितने जा 9 जा, 4 कितने जा 25 टाइम्स, तो हमारा किस में कन्वर्ट करा रहा था डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करा रहा था ये। अब तो हम फ्रैक्शन में क्यों कर रहे हैं भाई, लोग हो गया हमारा डेसिमल में। देखो इसमें डेसिमल में चेंज करा रहा था, कितने 0 हैं 2, नंबर गिनो 1 2, परसेंटेज का नीचे 100 लगाया, नंबर लिखा, पीछे कितने 0 हैं 2, 1 2 2 के बाद में पॉइंट रख दिया, ठीक, तो आंसर आएगा हमारा 0.36 आंसर। बस डेसिमल में तो चेंज करा रहा था ये, 0.36 आंसर आ गया हमारा। सेकंड, अब आप कहोगे ये वाला समझ में नहीं आया, तो देखो इस वाले को समझो। 54 लिखा, नीचे 100 लगाया, अब इसके बाद देखो एक पॉइंट के बाद डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिया। अब इसको हमें किसमें डेसिमल में चेंज करना है, देखो गिनो नंबर, गिनो कितने हैं 0, गिनो 1 2 3, कितने 0 हैं 1 2 3, 3 0 हैं, तो ऊपर भी डिजिट कितने होने चाहिए बताइए, कितने हो 1 2 3। जब तीसरा नंबर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ 0 लगा लेते हैं, ठीक है, नंबर नहीं है 0 लगाया, 3 के बाद में 1 की जगह जहाँ 1 होता है ना वहाँ पॉइंट लग देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे बने तो यहाँ पर पॉइंट रख दिया। अब इसको ऐसे नहीं लिखते हैं कि 0.054, ये 0 ना अपनी तरफ से लगाना पड़ता है जिससे अच्छा लगे, ठीक है। आपका आंसर क्या आया 0.054, ठीक, ये आया आपका सेकेंड। अब देखो थर्ड दे रखा है, इसमें मैं थर्ड करा देता हूँ आपको, थर्ड कराता हूँ, फोर्थ आप होमवर्क में करना। देखो सी वाला जो थर्ड है ना, क्या दे रखा है 0.25%, परसेंटेज से डेसिमल में 25 लिखा, परसेंट का नीचे 100 लगाया। अब देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 1 2, 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा ली। ये वाले 2 0 किसके हैं परसेंट के, ये 2 0 किसके हैं 1 और 2 डिजिट के, ठीक। इसके बाद में देखो 25 लिखा, 1, अब नंबर 0 गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 था नहीं नंबर तो हमने 0 लगा लिया, 4
नंबर नहीं था, जीरो लगा लिया, वन की जगह फिफ्थ नंबर पर वन है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फिफ्थ नंबर पर हमने पॉइंट लगा दिया, अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा लिया, तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखो हमने आज क्या सीखे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फिर हमने सीखा है परसेंटेज से रेशियो में कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा है कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा कि डेसिमल से परसेंटेज में कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा कि परसेंटेज से डेसिमल में कैसे करते हैं। परसेंटेज चैप्टर में इसी तरीके के जो हैं आपके कन्वर्सेशन देख रहे हैं, मतलब कन्वर्ट आपसे कराएगा वो इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पर कराएगा। आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आज की डेट में आ गए होंगे, बहुत स्लो में सिखाया मैंने, इस तरीके से सिखाया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। और हाँ, इनके होमवर्क में आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर करना, ठीक है, भूल मत जाना ये चीज़, होमवर्क में करना, प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको आएंगे ये चीज़। आपको क्या करनी है, होमवर्क में आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इनके आंसर कितने आ रहे हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।